नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर सौक्यू बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर आपके सामने मौत, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि स्मृति ईरानी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी के बाद उनके भाई वरुण गांधी ने भी मीडिया को इस तरीके से निशाने पर लिया है दोस्तों की हूबहू राहुल गांधी की याद आई है। बताएंगे क्या है पूरा अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। दोस्तों बताएंगे कौन है ये और क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दार्जिलिंग के अंदर नगर पालिका में बीजेपी की सरकार को बाहर करके टीएमसी ने अपनी सरकार बना ली है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से सफल होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने स्मृति ईरानी को भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण देकर बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तैयारी कर ली है दोस्तों। और इसके लिए अखिलेश यादव से लेकर मायावती और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी आमंत्रण भेजा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी है कि स्मृति ईरानी के निजी सचिव नरेश शर्मा को आमंत्रण पत्र सौंप दिया गया है दोस्तों, और स्मृति ईरानी को भारत जोड़ो यात्रा का आमंत्रण दिया गया है। देखते हैं स्मृति ईरानी पहुंचती है या नहीं पहुंचती दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बयान देने वाले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए हैं दोस्तों। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अंदर वरुण गांधी मीडिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मीडिया को लेकर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हूं और ना ही पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, ना कि ग्रह युद्ध कराने के लिए राजनीति होनी चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर वोट देने वालों को बेरोजगारी चिकित्सा के बारे में भी सवाल पूछना चाहिए। इसके साथ में उन्होंने मीडिया को लेकर भी दोस्तों राहुल गांधी जैसी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसान संकट में है, लेकिन कोई भी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान जाति पाति लिखा और दिखाया जा रहा है, वह भी तोते की तरह। भाई को बांटो भाई को काटो, इस तरीके की राजनीति को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। अंग्रेजों का समय का काम कब तक चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि नेता वो होता है जो अपनी जनता को कंधे पर बिठाकर ले चले, ना कि जूतों की नोक पर उसको रखे। यानी दोस्तों राहुल गांधी की तरह लगभग हूबहू बयान उन्होंने दिया है। और इसके बाद 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी के शामिल होने को लेकर चल रही चर्चा को और ज्यादा जोर मिला है दोस्तों। देखते हैं क्या वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ में दिखाई देंगे। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि मैं ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हूं ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूं, ये साफ तौर पर वरुण गांधी के कांग्रेस पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर को भी दिखाता है दोस्तों। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव से मीडिया वालों ने स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्या आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो इस पर सपा के प्रमुख ने कहा कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है, हमारी विचारधारा अलग है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है। यानी अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है दोस्तों। दरअसल यह यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी से शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा दावा कर दिया है जो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर हो सकती है दोस्तों। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। यूपी कांग्रेस के तमाम नेता इस तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। सिद्दीकी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को सपा का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सपा के एमएलसी सौम्य प्रसाद मौर्य इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बुलंदशहर पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और फारूक अब्दुल्ला के आने से समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी को सुबह 10 बजे भारत जोड़ो यात्रा यूपी के लोनी बॉर्डर से गाजियाबाद में प्रवेश करने वाली है, जिसके बाद बागपत शामली होते हुए सोनीपत हरियाणा में प्रवेश करेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है दोस्तों कि वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर वरुण गांधी खुद जवाब देंगे, मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में। तो कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि सपा का समर्थन मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई समर्थन नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या सपा का कोई नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा, और अगर शामिल हो जाता है तो क्या अखिलेश यादव का पार्टी पर इतना कंट्रोल नहीं है कि नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। ये दोस्तों पूरी तरीके से देखने वाली बात रहेगी। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपकी क्या कुछ राय है, क्या अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यूपी प्रवेश करने से पहले कांग्रेसी नेता
नेताओं के बयानबाजी के बीच भाजपा के लोग भी बुरी तरीके से बौखला गए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बयान देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि इस पद पर बहुत दिनों से कोई नियुक्ति नहीं हो पाई थी और हमारे नेता तो केवल राहुल गांधी हैं। सलमान खुर्शीद के इस बयान को अलग तरीके से बीजेपी के लोगों ने लेते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मात्र एक मुखौटा है, फुल टाइम नेता तो राहुल गांधी हैं। यानी दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के लिए दलित समुदाय में काफी ज्यादा वोटों का इजाफा भी गुजरात के साथ साथ अन्य चुनाव में देखा गया है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कमजोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने की कोशिश में बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। हालांकि खुर्शीद ने जो बयान दिया था उसको पूरी तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। एक बड़े उलटफेर में दार्जिलिंग के नगर पालिका में महज 10 महीनों के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया है। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव के बाद अनित थापा के नेतृत्व में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा और टीएमसी गठबंधन ने दार्जिलिंग नगर पालिका का नियंत्रण करने का रास्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें कि फरवरी में नगर निकाय चुनाव में अजय एडवर्ड को हमरो पार्टी के 32 में से 18 वार्ड में जीत हासिल कर दार्जिलिंग के नगर पालिका का कब्जा मिल गया था, लेकिन इसके बाद बीजेपीएम और टीएमसी गठबंधन ने 10 सीटें जीत ली थी और उसके बाद दोस्तों समीकरण पूरी तरीके से पलट गए हैं। आपको बता दें कि 24 नवंबर को उस समय बड़ा उलटफेर हो गया जब 6 नव निर्वाचित पार्षद बीजेपीएम में शामिल हो गए और बुधवार को हमरो पार्टी और जीजेएम का कोई भी पार्षद नगर पालिका कार्यालय नहीं पहुंचा जहां पर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए बीजेपीएम और टीएमसी गठबंधन का दार्जिलिंग नगर पालिका पर नियंत्रण हो गया है दोस्तों, और 10 महीने के बाद जबरदस्त वापसी की है इस गठबंधन ने। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी तगड़ा झटका है जो दार्जिलिंग क्षेत्र के अंदर अपने अच्छे स्थिति में दिखाई देती है। दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की कोई सीट अगर सबसे पहले लोकसभा में आई थी तो वो दार्जिलिंग की सीट ही आई थी और इस बार नगर पालिका के अंदर इतना बड़ा खेला कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी भारी नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है। साथ साथ आपको बता दें कि शिवसेना के कार्यालयों पर कब्जा को लेकर उद्धव शिंदे गुट आपस में भिड़ गए। शिंदे गुट का मानना है कि मौजूदा समय में उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है, सांसद है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, इसलिए संख्या बल के आधार पर कार्यालय पर उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है तो हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी गुट बुधवार को शाम दक्षिण मुंबई के बीएमसी मुख्यालय में पार्टी कार्यालय में तीखी नोकझोंक के साथ दिखाई दिए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद परिसर को एक घंटे के तनाव के बाद खाली कराया गया। शिवसेना कार्यालय में हंगामे के बाद प्रशासन ने शिवसेना के कार्यालय को सील कर दिया है। बीएमसी के इलेक्शन से पहले इस तरीके का हंगामा देखने को मिला है। माना जा रहा है कि यह हंगामा और ज्यादा आगे बढ़ेगा। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट यह है कि चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में मची भगदड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आंध्र प्रदेश के कुंदुकुर शहर में पुलिस ने बुधवार को तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ में 8 लोगों की मौत के मामले में मामला दर्ज कर लिया है। नेल्लोर जिले के कस्बे में पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान भगदड़ मचने से 2 महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, 5 अन्य घायल हो गए थे। कुंदुकुर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर दिया है दोस्तों। इस बीच अधिकारियों ने गुरुवार को कुंदुकुर एरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। शवों को उनके गांव भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर ये काफी गंभीर मामला है दोस्तों। देखते हैं इस पर राजनीति होती है या फिर जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके परिजन गए हैं, उनको संतावना दी जाएगी, किस तरीके की राजनीति होगी, आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। एक और बड़ी खबर यह है कि दक्षिण में मुरझा सकता है कमल। इंटरनल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आपको बता दें कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव इसी साल अप्रैल में होने वाले हैं दोस्तों। 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी ने जहां पर एक और कमर कस ली है, अपने सारे नेताओं को एक्टिव कर दिया है। जगह जगह पर पार्टी के द्वारा रथ यात्राएं निकाली जा रही है। 113 के जादुई आंकड़े को छूने के लिए कौन सी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में 90 से लेकर 105 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2018 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि जब हमने कुछ विधायकों के दल बदल से पहले 80 सीटें जीती थी, हमारे सर्वेक्षण के अनुसार हम बेलगावी और कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के अंदर अपनी संख्या को सुधारेंगे। कल्याण क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं बढ़ रही है। कारण यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्टी का अध्यक्ष बनना, जो इसी हिस्से के कलबुर्गी से आते हैं, और इसीलिए हमें यहां से बड़ा समर्थन मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठाया है दोस्तों और मुख्यमंत्री को 40% सीएम कहकर कह रहे हैं कि इसी तरीके का प्रचार चलेगा। रथ यात्राएं कर्नाटका कल्याण रीजन में खत्म हो चुकी है और अब पूरे उत्तर और दक्षिण कर्नाटका में जोर शोर से चलने वाली है। कांग्रेस पार्टी
पार्टी के दोनों नेताओं को काम पर लगा दिया गया है। गुटबाजी भी पूरी तरीके से खत्म दिखाई दे रही है। वहीं पर बीते दिन 29 दिसंबर को लोगों ने अरविंद केजरीवाल को उनका पुराना एक बैनर पोस्टर याद दिलाते हुए कहा कि आज 29 दिसंबर है, शायद आज अन्ना हजारे का जन लोकपाल दिल्ली सरकार पास कर देगी, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से बार बार यही कहा जा रहा है कि अन्ना हजारे का लोकपाल बिल अब पास किया जाएगा, तब पास किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि केवल जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। समय आज तक नहीं आ पाया जब सच में जन लोकपाल बिल को पास किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों बड़े गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक साल में गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए महंगे हो गए, दूध के दाम औसतन 10 रुपए बढ़ गए हैं, तूर और अरहल की दाल में 10% या यूं कहिए 10 रुपए का इजाफा हो गया है। इसी के साथ में खाद्य तेल 15 से लेकर 20 तक महंगा हो गया है दोस्तों, और आटे के दाम में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वंडरफुल ईयर आम इंसान की रसोई के लिए तो ये डिजास्टर ईयर रहा है। 2023 को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से टिप्पणी सामने आई है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।